अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो है ना, इस सेटअप पर आ गए थे और यहाँ हमने भाई सुल्तान को भी बाहर खोल दिया और लैलो को भी ना थोड़ा बाहर खोल दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे भाई, ये ना बाहर निकल नहीं रहे थे, पिंजरे में ही थे। और आज खोलते ही ना भाई जो है इन्होंने अभी फ़ाइट शुरू कर दी थी, तो थोड़ा बहुत अभी सेट हो गए। और दोस्तों एक और बात भाई, आज ना हमारे सेटअप पर भाई कुछ सब्सक्राइबर मिलने आए हैं, अभी आपको अपने सब्सक्राइबर से भी मिलाते हैं और ना आपको बात कराते हैं। अभी उनको पूरा सेटअप वेटअप दिखाया और अभी तीनों आए हैं भाई, इनको ना अभी जो है हमने पूरा सेटअप दिखाया, सारे चिक्स वगैरह देख रहे थे ये ना भाई। सेटअप पसंद आया आप लोग को? हाँ भाई दोस्तों, माशाल्लाह भाई सारी चीज़ें भाई इन्होंने इन्जॉय कर ली हैं। यहाँ पे गिनी पिग वगैरह को सबको देख रहे थे। बाकी अभी मैंने कुछ यार इनके लिए पालक काट के रखा अपनी मुर्गियों के लिए ना, तो चल के ज़रा मैं पालक वालक अभी इनको डाल दूँ, क्योंकि अभी मैंने खोला था, मैंने सोचा इनको खोल के सबको एक साथ ही डालूँगा, और जब तक वो लड़ने शुरू हो गए थे तो इस वजह से डाला नहीं था, तो अब डाल लेते हैं। आ जाओ भाई वो देखें, और वो अंदर चूज़े भी भाई हमारे जो है वो थोड़ा खाने के लिए कर रहे हैं, उनको अंदर ही डाल देते हैं थोड़े से, तो उनको अंदर ही डालना पड़ेगा भाई ये तो। चलो भाई खाओ, इनको तो अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अभी काफ़ी सारा अभी वहाँ पर अपनी मुर्गियों को भी डाल देते हैं, क्योंकि ये लोगी ना सारा परेशान हो रही है। उनका पहले मैं गेट खोल लूँ, और बाहर निकाल नहीं सकता, आपको पता है, ये बाहर निकालूंगा तो भाई ये जो है ना लड़ेंगी सारी आपस में, और सुल्तान आपको पता है इनको मारेगा फिर, तो अंदर इनको डाल देते हैं। तो अंदर भाई माशाल्लाह खाएंगे, काफ़ी सारा पालक वगैरह है। चलो ना अंदर, क्या हो गया भाई दोस्तों, माशाल्लाह सारे ही खा रहे हैं। और बाकी थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ अपने छोटे चिक्स को, और जो है ना तोतो वगैरह को डालता हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई दोस्तों अभी जो है ना सारी मुर्गियों को भाई बाहर खोल दिया, अपने छोटी वाली मुर्गियों को भी खोल दिया, ठीक है ना। और लैला इनको थोड़ा तंग कर रही है, मगर खैर आराम से घूम रहे हैं, ये भी थोड़ा बाहर ही खा लेंगे, क्योंकि अंदर ही इन्होंने भाई फटाफट खा के जो है ख़त्म कर दिया था सारा, और बाहर काफ़ी सारा पड़ा हुआ था लहसुन, तो मैंने बोला भाई इनको डाल देते हैं पालक और लहसुन जो भी था सारा ना मिक्स, ठीक है ना। और ये देखें अभी लैला थोड़ा, ये देखें थोड़ा बहुत ना अभी तंग कर रही है, ये देखें, ठीक है, मगर एडजस्ट हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मैंने थोड़ी देर के लिए खोला है, आपको पता है इनको हम बंद कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा तंग कर रही हैं। और अभी लैला देखें इससे भाग रही, क्योंकि ये आपको पता है जो है ना लैला को काफ़ी मारती है और ये ज़्यादा अग्रेसिव है। और वहाँ देखें भाई माशाल्लाह हमारे रैबिट्स जो है दाना वाना खा रहे हैं। अच्छा आपको भाई रैबिट्स की भी अपडेट दे देते हैं, तो रैबिट्स के बच्चे चल के आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें से ना यार एक बच्चा ना कल हमारा जो है एक्सपायर हो गया, और वो देखें सो रहा कितने मज़े से उल्टा हो के। अभी सारे ना अंदर गए हैं कुछ जो है, वो देखें कहाँ पहुँचे हैं, अभी सारे सुकून से सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं, पेट वेट माशाल्लाह सबका भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और माशाल्लाह ये वाला बच्चा ना यार बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी है। और एक ये, अच्छा एक दो बच्चे दोस्तों इसमें ना छोटे रहेगा, पता नहीं क्या चक्कर है, एक ये वाला है और एक दो शायद अंदर भी हैं, वो देखें कहाँ तक घुसे हुए अंदर ना, वो देखें तीन वहाँ सो रहे हैं, बाकी भाई जो है टोटल अभी आठ बच्चे हमारे पास बचे हैं। और माशाल्लाह बच्चों के ना जो है बाल वगैरह आपको पता आने लग गया, रुआ वगैरह माशाल्लाह देख सकते हैं, रुआ वगैरह अब आने लग गए इनके भाई, ठीक है दोस्तों। दोस्तों माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, ठीक है ना। अच्छा इनकी भाई आँखें भी ना एक दो दिन में जो है आंखें भी इनकी खुल जाएंगी, काफ़ी जो है बड़े हो गए, मेरे ख्याल से एक हफ्ते के हो गए शायद, मुझे सही से याद नहीं कितने दिन के हुए। अच्छा यार इसका ना पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, पता नहीं ये इतने माशाल्लाह फीड इतनी करी हुई है, अब क्या चक्कर है। बाकी जैसे सबके नॉर्मल है, देखें देख रहे हैं, ये देखें सबके माशाल्लाह पेट जो है नॉर्मल है, कि सब ने फीड वीड करी हुई है, मगर ये जो दो बच्चे ना इनके पेट पता नहीं क्या चक्कर है, मैं दो दिन से नोट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ना इनके पेट फूल रहे हैं, इसका कुछ ज़्यादा ही फूल रहा है, पता नहीं क्या वजह क्या है इसके पेट फूलने की, देख रहे हैं इसकी टंकी कितनी फुल हो रही है, अब इसका कोई आइडिया भी नहीं आ रहा इसको हुआ क्या है, या वैसे ही माशाल्लाह से हेल्थी है, तो देखें यार इसका मसला क्या है, क्योंकि मुझे इनका आइडिया तो है नहीं ऐसा बच्चों के साथ क्या होता होगा। ये वाले की भी है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और इसकी जो हो रही है ना, ये तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती यार फीड वीड करने के बाद, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे हैं,
बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, इतना मतलब मोटा सा बेचारे से, शायद खड़े भी नहीं हो जा रहा, जब भी उल्टा होकर सो रहा होता ही है। देखें यार दोस्तों इसके अब क्या मसला है, फिर जो है करेंगे कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी देखनी पड़ेगी। भाई दोस्तों अभी जो है ना वो सारी मुर्गियों को यार बंद कर दिया, क्योंकि लैला ना उनको भाई बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैंने बोला इनको बंद कर दे दें ताकि सुकून से अंदर अपना दाना पानी करें। और बाकी भाई दोस्तों गिनी पिग्स की भी अपडेट ले लेते हैं भाई क्या कर रहे हैं। और वहाँ देखें हमारी बबली तो भाई मज़े से ना सो रही है, और बच्चा भी माशाल्लाह भाई इसका जो बहुत हेल्दी हो गया है और काफ़ी बड़ा भी हो गया पहले से ना, ठीक है दोस्तों। और आराम कर रहा था, और जब से भाई ये वाला जो मैंने इनका जो बनाया है ना, ये ना इनका भाई समझ लें बहुत ना साफ़ सुथरा रहता है, वरना यार ये लोग ना इतने ज़्यादा गंदे रहते थे ना उस वाले केज में। और ये बड़ा वाला केज भाई इनके लिए माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये जो है पिकाचू, और यहाँ पे जो है चिंटू बैठा हुआ है, ठीक है। और यार ये पानी ना बहुत गिरा रहे हैं वहाँ पर, देखें पानी गिरा गिरा के उन्होंने ना वो पूरा जो गल गया था, तो इन्होंने क्या किया भाई सारा ना वो जो है अपने दांतों से चबा लिया, और थोड़ा उधर से भी वहाँ शायद ये जो है पेशाब वगैरह करते हैं तो वहाँ से इस तरह से थोड़ा गीला हो रहा है। मगर ये कि पहले से ये साफ़ रहते हैं इसमें, क्योंकि भाई बिल्कुल ना सूखा रहता है, इतना गीला होता नहीं है। और इसका जो शीशा भी थोड़ा गंदा हो रहा है, तो इसका शीशा भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें मिट्टी वगैरह होती है ना, तो बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई है। और शीशा साफ़ करेंगे तो फिर आपको ना बिल्कुल भाई क्लियर नज़र आएंगे इसमें। माशाल्लाह भाई सारे ना खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और पता नहीं बबली अपने बच्चे को क्या चाट रही है, क्या कर रही है। अब साफ सुथरे हो गए हैं बिल्कुल, बंदा ना बहुत गंदे हुआ था यार ये लोग तो, अब ये कि माशाल्लाह भाई साफ सुथरे हो गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी अंदर करके दिखाता हूँ मैं आपको, असल में डरते भी तो है ना ये थोड़े, ये देख सकते हैं माशाल्लाह देख रहे। और ये रहा हमारा छोटा सा नन्ना सा बच्चा। अच्छा हमने ना अभी तक इसका नाम नहीं रखा, अभी देखते हैं इसका नाम क्या रखना है, हमें समझ भी नहीं आया अभी तक नाम। और हमें इसका भी नाम चेंज करना है, असल में ये फीमेल है और हमने इसका नाम पिकाचू रख दिया था मेल समझ के, तो अभी इसका भी नाम चेंज करेंगे और इस वाले का भी हम नाम रखेंगे नए बच्चे का। और ये देखें बबली को क्यों आ रही पता नहीं भाई। दोस्तों फाइनली भाई आज हमारे भाई बजी इसका बच्चा भी ना जो हंडिया से बाहर आ गया। मैं अभी हंडिया चेक कर रहा था, मैंने बोला यार हंडिया में तो बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा, काफ़ी देर से ढूंढने के बाद पता लगा भाई ये वाला है बच्चा, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है देख रहे हैं। और अच्छा इसका क्रिस्ट भी ना देखें अपने जो है बाप पर गया, उसके भी हल्का सा क्रिस्ट है, तो इसके भी भाई हल्का सा ना जो क्रिस्ट है माशाल्लाह। और ये देखें तो इसको ना देख करेंगे भाई, ये देखें काटता वाटता नहीं है माशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ इसको ना हम जो है निकाल के हैंड टेम भी कर सकते हैं माशाल्लाह भाई, जो है ये खूब ना इंजॉय करेगा हमारे साथ और खूब मस्ती करेगा देख रहे हैं, क्योंकि काटता वाटता तो आपको पता है नहीं अभी ये जो बच्चा है, और ना ये डरता ही देखें देख रहे दोस्तों। तो भाई दोस्तों इसको ना मैं निकाल के चेक करूँगा, कोशिश करूँगा कि भाई हम इसको भी ना हैंड टेम कर लें, क्योंकि ये मुझे ना शायद मेल लग रहा है, और फिर मेल तो इतने आपको पता है इतने सारे हो जाएंगे तो फ़ायदा है नहीं इतने सारे मेल का ना, तो मैं क्या करूँगा यार कोशिश करता हूँ इस वाले को निकाल लूँ। और इसको ना हम रख लेंगे भाई अपने जो है वो कॉकटेल पैरेट के साथ, ठीक है ना। कॉकटेल पैरेट माशाल्लाह हमारा काफ़ी टाइम हो गया, उसको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वो हम ऊपर लाते नहीं, अभी वो जो बच्चा आपको पता काफ़ी मतलब बड़ा तो हो गया, मगर अभी हम उसको खुद ना ऊपर नहीं लाते, वो हमने हैंड टेम के लिए रखा हुआ नीचे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी ना हम हैंड टेम कर लें। और ये फुल ना ब्लैक आई में है यार, रेड आई में अगर निकल जाता तो माशाल्लाह अच्छा हो जाता। खैर मगर इसके भाई क्रिस्ट बहुत अच्छा आया इसके सर पे ना देखे ना दोस्तों माशाल्लाह। मैं कब से ढूंढ रहा था यार, मैं बोल रहा हूँ यार हमारा जो है बच्चा नज़र नहीं आ रहा, बजरी इसका कहाँ चले गया कहाँ चले गया, और अब पता चला भाई ये तो भाई यहाँ बाहर बैठे ना इंडिया पर ना। और माशाल्लाह भाई बहुत ना इसका कलर भी अपने मतलब अब्बा पे गया बिल्कुल, थोड़ा सा ना अपनी अम्मा पे ग्रीन ग्रीन जो है इसका हेड हो गया, बाकी पूरा ब्लू है। और अभी मैं ना फालतू के अंडे हैं ना इनके वो भी निकालूंगा यार, उसमें अंडे ना ख़राब नज़र आ रहे हैं, मैं ज़रा इसके अंडे निकाल लेता हूँ ताकि यार ये जो है और अंडे दे। तो अभी मैं फटाफट सारे अंडे निकालता हूँ जो ख़राब है, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई दोस्तों अंडे तो मैंने निकाल लिए, चार जो अंडे ख़राब थे, बाकी हमने भाई इनका जो है बजिश पैरेट का जो बेबी है ना ये भी निकाल लिया। और अभी ये तो छोटा है, अभी इसकी फ्लाइंग इतनी है नहीं, मगर फिर भी ये कि थोड़ी बहुत अगर इसके परों में हवा लग गई तो ये उड़ जाएगा। खैर अभी तो फ़िलहाल उड़ नहीं रहा, क्योंकि आज ही ये निकला है हंडिया से, कल तक तो मैंने देखा था अंदर ही था, बल्कि दोपहर तक भी अंदर ही था, ये अभी निकला है। तो ये मैं कोशिश करूँगा इसको भाई हैंड टेम करने की, और मैं अभी इसको नीचे ले जाऊँगा ठीक है ना दोस्तों। बाकी ये चार अंडे ये रहे, और जो है ना ये अंडे भाई सारे ख़राब हो गए,
तो भाई ये अंडे तो अभी हम फेंक देंगे, और ना मैं इस बजरी पैरेट का पहले जो बेबी हमारा, इसको पहले मैं ज़रा जो है अच्छी जगह रख के आ जाऊँ, सेफ जगह, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार दोस्तों भाई बजरी पैरेट जो था ना वो मैंने वापस जो है ला के भाई यहीं पर रख दिया है, क्योंकि ना यार असल में जो जितने भी हमारे तो मतलब पैरेट्स के बेबी है ना जो पालती है वो मेरी छोटी बहन है। अब उससे मैंने पूछा तुम पाल लोगी, उसने बोला पाल तो लूँगी मगर मुझे यार डर लग रहा है, क्योंकि ये आपको पता बहुत छोटा पैरेट है और इसकी जो है चोंच वगैरह जो है बहुत छोटी है, तो इसको फीडिंग कराना ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से मैंने बोला तुम छोड़ो, ऐसा ना बेचारा बच्चा ये जो है बीमार हो जाए या मर जाए। तो मैंने वापस ना इसी वजह से ला के छोड़ दिया, और फ़ौरन से भाई इसके माँ बाप जो है नीचे आ गए इसको दाना वाना खिलाने के लिए। और माशाल्लाह वैसे काफ़ी अच्छा है अभी से ना ये, मतलब बहुत कम पैरेट होते हैं जो इस तरह से हाथ में बैठते हैं, और माशाल्लाह सुकून से ना हाथ में बैठा है और ना तो बाइट वाइट कुछ भी नहीं कर रहा। मगर यार मेरे पास इतना आपको पता टाइम होता नहीं है, क्योंकि इसको मतलब 3 टाइम फीड करानी पड़ेगी डेली, 3 क्या 2 2 घंटे बाद ही करानी पड़ती है शायद थोड़ी थोड़ी, तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं इसको यार देखभाल करूँ फीडिंग का। वैसे दाना वाना तो आपको पता है हम डाल देते हैं, तो इस वजह से भाई मैंने वापस ला के छोड़ दिया। अभी ये नीचे बैठा हुआ है, अभी ख़ुद भी थोड़ा ना दाना वाना खाने की कोशिश कर रहा है देखे नीचे से, और हो सकता है कि भाई ये जो है ख़ुद अगर सेल्फ पे आ जाए तो फिर हम रख भी सकते हैं, क्योंकि यार सेल्फ पे मुझे नहीं लगता अभी प्रॉपर आया होगा, क्योंकि अभी तो आज ही तो ये बाहर आया है जो है अपनी मटकी से, तो अभी प्रॉपर सेल्फ तो हुआ भी नहीं होगा ये, अभी इसको टाइम लगेगा सेल्फ होने में। और खा रहा है वहाँ पे जो इसके माँ बाप ने मतलब जो चूरा करके इसको दिया है ना देखे गए वो खा रहा है, तो या तो फिर ऐसा ही इसको करके देना पड़ेगा बिल्कुल बारीक बारीक। अच्छा एक टाइम तो यार मैं जो है ना शॉक्ड हो गया था कि भाई हमारा जो है बजरीस का बेबी कहाँ चले गया इंडिया में से, क्योंकि सारे सेम है और पता भी नहीं लग रहा असल में। ये देखिए इसके जितना बिल्कुल वो एक पीछे मेल बैठा हुआ है, वो भी है एक सामने मेल भी है, तो मैं ना परेशान हो गया यार ये कहाँ चले गया। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो वो इस हंडिया के ऊपर बैठा हुआ था, फिर मुझे पता लगा भाई ये मेल है। अच्छा असल में बिल्कुल ना सेम क्रिस्ट आया है इसके जो अब्बा के ना वो जो बिल्कुल उसके ऊपर सेम क्रिस्ट है, इसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही क्रिस्ट है। अच्छा इस वाली नहीं वो फीमेल शायद ये वाली कहाँ शायद अंदर ही बैठी हुई है पता नहीं, या वो सामने वाली है तो दूसरी हमारी एक और फीमेल है उसने इसमें भाई 4 अंडे दिए हैं, 5। अब देखते हैं वो 5 अंडे हैच होते नहीं होते या ख़राब है वो, कि उस टाइम तो हमारे पास आपको पता है मेल एक ही था, एक ही मेल के साथ जो है उन्होंने अंडे दे दिए। अब पता नहीं उसमें से जो है चिक्स वगैरह निकलेंगे नहीं निकलेंगे पैरेट्स के, तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसा भी होगा बाकी आपको अपडेट कर देंगे। अच्छा मैंने भाई इनको ना अंदर ही डाल दिया था पालक वालक सब, क्योंकि आपको पता है लैला बाहर खुली है, लैला ने पहले भी हमारे भाई एक चिक्स को यार इतना गंदा मारा था ना मैं तो भाई डर गया था मरमरा जाता, इस वजह से मैंने सारे चिक्स को उनको भी इसी वजह से वापस बंद कर दिया, क्योंकि उनको भी जो है मार रही थी। यहाँ पर अभी मैं परवर पड़े हुए थे शायद इसके नीचे रैबिट के नीचे ना, तो इस वजह से मैंने फ़ौरन से बंद कर दिया। मैंने बोला ऐसा ना हमारे भाई चिक्स हमारी थोड़ी सी भाई नाहेली की वजह से जो है ज़ाया हो जाए, तो यही मैंने सोचा कि इनको अंदर ही बंद कर देते हैं अभी लैला और सुल्तान वगैरह खुले में। अच्छा यार सुल्तान अगर यहाँ खुले रहे ना तो और अच्छा है, अब मसला ये हमारा लाल वाला मुर्गा है ना वो बहुत एग्रेसिव हुआ हुआ है, वो लड़ता वो तो यार अब हमारे बिना यार बाइटिंग करने लग गया इतना ना, मतलब बहुत ज़्यादा काटता है यार उसको दाना डालने जाओ ना इतनी ज़्यादा मतलब वो फ़ौरन अटैक करता है। तो यार देखते हैं उसका भी कोई ना कोई सीन करते हैं, अगर रखना होगा तो रखेंगे वरना देखेंगे, उसको अगर सेल करना होगा तो सेल कर देंगे, फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई माइंड है नहीं। अच्छा यार हमें ना जो है अपने ग्रीन पैरेट के लिए भी यार मेल लेकर आना है, मगर यार वो हमें कहीं अच्छा मेल मिल नहीं रहा, या तो फिर ये करना पड़ेगा कि हमें अपना जो ये फीमेल है ये सेल करके, या तो फिर पूरा ब्रीडिंग पेयर कहीं से परचेस करना पड़ेगा, या तो इस तरह करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये सेल करें या भाई इसको जो है रखें और मेल लेकर आ जाएं। बाकी दोस्तों यार हमारे जो ये लव बर्ड है ना इनकी प्रोग्रेस अभी ये चल रही है कि भाई ये जो है अभी ये वाला पेयर देखें पूरा प्रॉपर जो है बॉक्स में जाके बैठ रहा है मगर इसने अंडे नहीं दिए, और ये पेयर जो है ना अभी बाहर ही रहता है, जिससे ये कि इसने अंडे वंडे तो नहीं दिए मगर ये बॉक्स में बहुत कम ही जाता है यार ये वाला पेयर। वो पेयर तो माशाल्लाह भाई जो है बॉक्स में सेट हुआ हुआ है, और अब देखते हैं अभी तो शायद ब्रीड ना करे वो, अब नेक्स्ट सीज़न में ही ब्रीड करेगा। और अभी यार इन लोग को ना मैं सुल्तान और लैला को बंद कर दूंगा, क्योंकि यहाँ सुल्तान को तो ख़ास तौर पे मैं खुला नहीं छोड़ सकता, लैला तो फिर भी खुली रह जाए मसला नहीं, सुल्तान को छोड़ूंगा ना यार फिर वो हमारे जो लालू के साथ जो है लड़ेगा।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक बटेर ने भी अंडा दिया हुआ है और अंडा भी निकालेंगे। और यार इन पे ना हमारे बटेर पर यार एक उसकी टांग में फीमेल की, पता नहीं अभी भी शायद वो लंगड़ा रही है, क्या चक्कर है, या सही हो गई। अब वो पता नहीं चूहे ने या चूहिया वगैरह कुछ आती हैं उन्होंने ना काट लिया था शायद। इस मेल के भी यार कुछ टांग में लगी हुई, टांग एक टांग पर खड़े हो रही है। असल में ये जाल भी तो आपको पता है ये ऐसा है ना, इनसे प्रॉपर सही से खड़ा हुआ नहीं जा रहा। तो इनके लिए रखा तो वो वाला था, मगर उसमें हमारे चिक्स के ऊपर ना थोड़ी चीचड़ वगैरह हो रही थी, तो इस चक्कर में मैंने फिर उनको ना वहाँ शिफ्ट कर दिया। वरना यार हमारे पास तो बड़ा केज था आपको पता है, मगर उन यार वो आपको पता है चीचड़ वगैरह लग जाती तो फिर हमारे सारे बर्ड्स में फैल जाती। इसी वजह से मैंने इनको भी फ़ौरन अलग किया, इनके ऊपर जो पाउडर वगैरह लगाया चीचड़ का, ताकि वो बिल्कुल सारे साफ़ हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई हैं अब तो। बाकी दोस्तों यार क्या करता हूँ ना, व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।